नमस्कार, आज हम बात करेंगे एसआरए के बारे में। एसआरए यानी झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के तहत शहर तथा उपनगरों में बेडर के माध्यम से सस्ते घर बनाने की तैयारी शुरू है, लेकिन कई लोगों को अभी तक ये ही नहीं पता है कि आखिर एसआरए क्या है और इसमें घर कैसे मिलता है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एसआरए के विशेषज्ञ सर्वेश सिंह जी। सर्वेश जी, हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि एसआरए क्या है। एसआरए का मतलब ये है कि स्लम रिहैब अथॉरिटी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्लम रिहैब अथॉरिटी बनाई हुई है, जो कि मुंबई के जितने भी झोपड़े हैं उसको हटाया जाए और उसकी जगह पे बिल्डिंग बनाई जाए, इनको बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए, ये है स्लम रिहैब अथॉरिटी। मगर उसके तहत जितने भी गरीब लोग हैं जो झोपड़े में रह रहे हैं, उनको एक बिल्डिंग बना करके दिया जाता है और उसके बदले में जो सेल का पोर्शन होता है वो बिल्डर लेता है और प्लस जितना उनका रहता है फ्रेंचाइजी उनको मिलती है। उसमें जब स्लम का काम चालू होता है तो उस टाइम पे जो बनाई जाती है बिल्डिंग स्लम के लिए, वो स्लम के लिए ही बनाई जाती है, वो पता चल जाता है देख करके। आप पूरे बॉम्बे में जाएंगी, आप कोई भी बिल्डिंग स्लम का देखिए, आप भी जाती होंगी देखती होंगी, वो बिल्डिंग देख के पता चल जाता है कि स्लम की बिल्डिंग है और जो सेल की बिल्डिंग है उसके बगल में जो बिल्डिंग दूसरी बनेगी वो सेल की बनती है। जबकि जो लैंड होती है गवर्नमेंट कन्वेंस, अगर कलेक्टर की लैंड है या बीएमसी की लैंड है, जो भी लैंड होती है या तो किसी प्राइवेट लैंड है, उसके ऊपर भी स्लम डिक्लेयर हो जाता है तो वो उस पर स्लम का बिल्डिंग बनाई जाती है, प्लस सेल के पोर्शन में जो बच जाता है बिल्डर के लिए वो उन्होंने अपना सेल का बिल्डिंग बनाते हैं। मगर गवर्नमेंट ने जो कन्वेंस करती है प्रॉपर्टी जब होती है, वो स्लम में जो रहवासी हैं उन्होंने जो सोसाइटी बनाए रहती हैं उस सोसाइटी के नाम पे रजिस्टर होती है और कन्वेंस उनके नाम पे होती है। अच्छा, उनके नाम पे लैंड कन्वेंस होने के बावजूद उन्हें मालिक बनाया जाता है उस लैंड का, वहाँ के रहवासियों को, और उसके बावजूद भी उनका जो घर है, जो स्लम की बिल्डिंग बनाई जाती है, वो झोपड़े से भी बदतर हाल में बनाई जाती है। उसकी क्वालिटी आप जाके देख लिए, बिल्डिंग की पोजीशन आप जाके देखिए। अगर कोई लैंड 1 लाख फुट का है तो उनके पास जो बना करके दिया जाता है 20,000 फुट में उनको बना के कोने कोपचे में कहीं पे डाल दिया जाता है, जो बाकी 80,000 फुट जो मेजर पार्ट है वो सेल के लिए उन लोग रख लेते हैं। उसमें गार्डन भी बनेगा, स्विमिंग पूल भी बनेगा, 4 लेवल का पोडियम पार्किंग भी बनेगी, सब कुछ बनाया जाता है सिर्फ सेल वाली बिल्डिंग में। और जो यहाँ के लोग हैं रहवासी, उनके लिए वैसी ही बिल्डिंग बनाकर के छोड़ दी जाती है जैसे वो जमीन में झोपड़े में रहते हैं, वो बिल्डिंग के झोपड़े में है। तो ये अभी जो पुनर्वसन हो रहा है एसआरए का स्लम का, तो अभी झोपड़े से लेके बिल्डिंग में हो रहा है और ये लोग यहाँ झोपड़े में से स्लम में से निकल के बिल्डिंग के स्लम में जा रहे हैं और एक वो दूसरा स्लम बन रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट देखना, कुछ दिन के बाद मैं बता रहा हूँ एक और स्कीम निकालेगा, वो भी बिल्डिंग तोड़ी जाएगी, उसकी भी एक्स्ट्रा एफएसआई दी जाएगी और उसके बाद बोलेंगे अब हम फिर नई बिल्डिंग बनाएंगे। गवर्नमेंट की स्कीम ही जो है वही घटिया स्कीम है जो उन्होंने बना करके रखा है कि अगर जो भी आप अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप जो सेल की बिल्डिंग बना रहे हैं सेम प्रोपोर्शनेट में आपको एसआरए का भी बिल्डिंग बनाना है, वैसे ही बिल्डिंग बनानी चाहिए उनको। दूसरी बात यह है कि जो फैसिलिटी आप सेल को दोगे वही फैसिलिटी आप एसआरए को दोगे, तो सारी चीजें जब एक जैसी होंगी तब तो वो लोग एसआरए से बाहर निकलेंगे, तब तो स्लम से निकलेंगे, तब उन्हें फीलिंग होगी कि हम स्लम से अब बाहर आ गए। मगर यहाँ पे नहीं ऐसा होता। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल, जैसे रीडेवलपमेंट की बिल्डिंगें बनती है, रीडेवलपमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट जब जाता है तो उसमें कैसा होता है कि रीडेवलपमेंट का जब प्रोजेक्ट होता है तो एक फ्लोर बिल्डर सेल का रखता है और एक जो वहां के रहवासी है उनको देता है, या तो कुछ फ्लोर इनका दे देगा कुछ फ्लोर अपना रखेगा, मगर उसके अंदर जो क्वालिटी वो यूज करता है सब एक जैसा होता है, फ्लैट भी एक जैसा होगा, उनके अंदर जो टाइल्स लगेगी वो भी एक ही जैसी, सब कुछ एक जैसा बनाया जाता है, उसमें डिफरेंस उन लोग नहीं करते हैं। इसीलिए रीडेवलपमेंट में जो बिल्डिंग जाती है वो सेल और सेल में जो बिल्डिंग में फ्लैट लोगों को दिया जाता है सेम उनको भी मिलता है, मगर एसआरए में ऐसा नहीं होता है। आज उसी एसआरए में जो झोपड़ा वाला निवासी है उसी के ऊपर बिल्डर इतना पैसा कमाता है, जब उन्हें वो कन्वेंस दी जाती है तो वो झोपड़ा धारक को दिया जाता है कन्वेंस, सोसाइटी के नाम पे जब लैंड अलॉट होती है तो झोपड़ा वाला आदमी को जो बिल्डिंग बनाई जाती है वो भी झोपड़े जैसी ही बिल्डिंग बना देते हैं,
और उनको दे दी जाती है। उनके पास न खड़े होने की जगह है, न शादी करने के लिए अगर उनको कुछ है करना है तो नहीं, कोई मैयत भी हो जाए तो वहाँ पे आप उनको कोई भी जगह नहीं मिलती है कि कुछ जैसे प्राइवेट सोसाइटियों में होती वैसा उनका नहीं है। आप किसी भी सारे बिल्डिंग में आप देख लीजिए, हर बिल्डिंग में देखोगे तो 5-5 फुट की तो गैप छोड़ के दूसरी बिल्डिंग बना देते हैं, उसमें फायर ब्रिगेड कहाँ से जाएगी पता नहीं है। उसमें एक बिल्डिंग में आग लगे तो दूसरी बिल्डिंग अपने आप ही जल जाएगी बिना जलाए ही, मतलब वो और एक अपनी खिड़की से भी दूसरे की खिड़की में सामान ले सकते हैं, मतलब उनको क्रॉस वेंटिलेशन हवा की तो जरूरत ही नहीं है। सरकार के जितने भी इंजीनियर हैं या जितने भी लोग हैं उन्होंने क्या किया है कि यहाँ से इनको एसआरए से निकाल, जो झोपड़े में से निकाल करके बिल्डिंग वाले झोपड़े में बिठा दिए। आज तक किसी ने उस बिल्डिंग को जाके ध्यान से देखा नहीं। अब बहुत सारी बिल्डिंगों को मैं तो देख रहा हूँ, कई बिल्डिंगों के आपको फुटेज वगैरह भी आप देख सकते हैं, आप मैं दे भी दूंगा आपको, कि आप देखेंगे कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जो है सट करके इन्होंने बना दी है, उस बिल्डिंग और दूसरी बिल्डिंग में कोई गैप नहीं है, कोई हवा नहीं है। उनकी लिफ्ट देखेंगी तो इतनी बुरी हाल है, पंप उनका चलता नहीं है, पानी लोग लिफ्टों में लेके जाते हैं और जब लिफ्ट बंद हो जाता है तो चल के 8-8 माला पानी लेके जाते हैं। ऐसे तो बिल्डिंग बनाएगी, प्राइवेट बिल्डिंगों में ऐसा नहीं होता है। हम भी रहते हैं सोसाइटी में, आप भी रहती हैं, आप देखिए ना आपकी सोसाइटी कितनी अच्छी रहती है क्योंकि उसके अंदर पूरी फैसिलिटी दी गई है हमारे पास। पर यहाँ पे इनको पहले से ही, जो यहाँ पे पहले जब ये झोपड़े में रहते हैं तब भी लोग कहते हैं ये झोपड़े वाले लोग हैं, और जब वो बिल्डिंग में भी जा रहे हैं वहां पे भी लोग बोलते हैं स्लम की बिल्डिंग है, स्लम की बिल्डिंग, क्योंकि उस स्लम की बिल्डिंग दिखाई देती है, पता चल जाता है स्लम के रहवासी लोग हैं। उनके देखिए ये उनकी जो गैलरीज देखिए, बालकनी देखिए, जो उनको बना के दिया जा रहा है, जो उनको रहने के लिए जगह दी जा रही है, वो देख के मालूम पड़ जाता है कि ये स्लम के लोग हैं। उनके लिए न पार्किंग की सुविधा है न कोई, एक्चुअल में होना ये चाहिए था कि लैंड अगर डिवाइड हो रही है, लैंड कन्वेंस अगर होती है तो 50% लैंड सेल वालों के पास जानी चाहिए और 50% एसआरए वालों के पास होनी चाहिए, और आधी फैसिलिटी जो नीचे की जो है अभी वहां पे आपने कहीं नहीं देखी होगी कि एसआरए में 4 लेवल की पोडियम पार्किंग बनी होगी गाड़ी खड़ी करने के लिए, कभी नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो समझते हैं कि झोपड़ा वाले लोग हैं ये वही रहने लायक है, इनके पास इन लोग पहले से जूम करके रखे हैं कि इनके पास तो गाड़ी हो ही नहीं सकती, मतलब ये खरीद नहीं सकते तो इनको पार्किंग देने की भी क्या जरूरत है, तो उनको पार्किंग देने की जरूरत नहीं है, उनको नीचे खड़े होने की जरूरत नहीं है, उनको गार्डन की जरूरत नहीं है, उनको वॉक करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है और जो भी फैसिलिटी दी जाती है सिर्फ सेल बिल्डिंग को बना करके दे दी जाती है। तो ये जो है, ये जो भेदभाव है ये सरकार खुद कर रही है एसआरए वालों के साथ में और प्राइवेट वालों के साथ में। अगर उन्होंने एक स्कीम बना दे जो आप सेल के बिल्डिंग बनाओगे वही सेम बिल्डिंग आपको एसआरए में बनानी पड़ेगी, जितनी लैंड आप उसके लिए यूटिलाइज करोगे उतनी लैंड आप यहाँ पे यूटिलाइज करना है इक्वली। आप 50% अगर एफएसआई लेते हो और 50% सेल को देते हो, 50% एसआरए को मिलता है, तो सेम प्रोपोर्शनल हर चीज का करिए ना। अगर आपने 1 लाख फुट मान लीजिए किसी की एफएसआई है तो 50,000 फुट अगर एसआरए को मिलती है तो 50,000 सेल वाले को मिलती है, मगर वो 50,000 की जो बिल्डिंग है वो 20,000 फुट में बना देंगे और खत्म हो जाएगा। 80,000 फुट का जो जगह रहता है उसमें पोडियम पार्किंग, गार्डन, जॉगिंग ट्रैक सब कुछ बना लेंगे, वो सेल की बिल्डिंग के लिए बनाएंगे मगर एसआरए वाले बिल्डिंग के लिए कुछ नहीं। उनके घर पे बेचारे की वहां पे तो नीचे मैयत भी हो जाए तो 50 आदमियों को खड़ा होने की जगह नहीं होती है, ऐसी बिल्डिंग बना करके देते हैं। तो ये पोजीशन है कि लोग आज एसआरए का एक झोपड़े में से निकलते हैं, जो ग्राउंड में झोपड़ा था उनका इसमें तो हवा भी आती थी कम से कम, अब जो बिल्डिंग बनाई जा रही है उसमें तो ना हवा है ना कुछ है, ऐसा लग रहा है कि ये इससे बेटर तो झोपड़े में ज़्यादा अच्छे थे। और ये जो स्कीम बनाई गई है बिल्डर को कमाने के लिए स्कीम बनाई गई कि बिल्डर इसमें जितना पैसा बना सकता है बनाए, झोपड़ा रहवासी को कुछ नहीं मिल रहा है और ऊपर से सरकारें कहती है कि हमने झोपड़ा वालों को फ्लैट दे रहे हैं। अभी आज तक किसी ने भी जो है जो भी अथॉरिटी है चाहे हाउसिंग का बोलिए, उन्होंने कभी जाकर के देखा है कि उनको घर कैसा बना है, क्या बनाया गया उसके अंदर, फैसिलिटी क्या है, कैसे दूसरी बिल्डिंग के बीच में गैप क्या है। कल उनकी बिल्डिंग में आज प्राइवेट बिल्डिंग के लिए रूल है कि आपको पूरे चारों तरफ कंपाउंड के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी घूमनी चाहिए, ये कंपलसरी है उनकी, मगर एसआरए में घूमने की जरूरत नहीं है, मतलब उधर आग लगी तो मरी जाए चलेगा, तो वहां पे फायर ब्रिगेड घूमने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। और आप जाके देख सकती हैं बहुत सारी बिल्डिंग है, मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसमें फायर ब्रिगेड तो घूमने का कोई जगह ही नहीं है, फिर भी वो बना के कोने में खड़ी कर दी है, वहां पे पड़े हैं लोग, जिंदा है मरे हैं, किसी को कुछ पड़ी नहीं है,
स्कीम हमने बनाई है, बस ये जितनी भी स्कीमें बनाई गई है इस बिल्डर को बेनिफिट देने के लिए बनाई गई है सारी, पब्लिक के लिए कोई स्कीम इसमें है ही नहीं। सर हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे अगले एपिसोड में भी आए और दर्शकों को एसआरए के बारे में जानकारी दें। जरूर देंगे, पूरी डिटेल देंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे कि हमने देखा, सर्वेश जी ने हमें एसआरए के बारे में अहम जानकारी प्रदान की है और ऐसे ही एसआरए से जुड़े और कई सवाल हैं जिसके उत्तर हम आपको अगले एपिसोड में देंगे। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.